बच्चों, मेरा नाम शिषपाल सिंह है और मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ आज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये जो टॉपिक है बच्चों, इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में क्वेश्चन होते हैं प्रूव दैट के। तो एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, इस लेक्चर में आपको इसके कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिटीज किसे कहते हैं या आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप लिखिएगा एन इक्वेशन is known as an identity. An equation is known as an identity when it is true. When it is true for all values of variables involved. देखिए स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन है, अगर उसकी इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं, उन वेरिएबल्स पे अगर हम कुछ भी वैल्यू रखें और वो इक्वलिटी होल्ड करता है, वो इक्वेशन वैलिड होती है हमेशा। तो वो इक्वेशन ना रहकर वो क्या कहलाएगी? फिर आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है? और जैसे आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो जो थ्योरम है वो आइडेंटिटी नहीं है, तो वो हर एक वैल्यू वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। तो जो इक्वलिटी होती है हमेशा होल्ड नहीं करेगी। जैसे क्या था वो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, ये जो इक्वलिटी है वो हमेशा सही नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 स्क्वायर ले लेता हूँ, मतलब परपेंडिकुलर 5 ले लेता हूँ और बेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मैं कुछ भी रख दूँ, दूसरी वैल्यू रख देता हूँ, मान लीजिए 9 रख देता हूँ, तो 9 का स्क्वायर करता हूँ, तो ये हमेशा ये वैलिड नहीं रहेगा। इसके पार्टिकुलर ही होते हैं, पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही बनते हैं, तो ये थ्योरम कहलाती है। लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी होगी उसमें हम कुछ भी वैल्यू रखें तो वो हमेशा वैलिड रहेगी। तो स्टूडेंट्स, पहली जो इक्वेशन आती है, पहली जो आइडेंटिटी आती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये थीटा होगा, देखिए थीटा दोनों जगह सेम है, ठीक है? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए 90 है, यहाँ पे 45 है, तो अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों एंगल को आपको सेम रखना पड़ेगा, तब ये इक्वलिटी जो है वो होल्ड करेगी, ठीक है? यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। ये अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप वेरिएबल में करेंगे ना, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ना ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। फिर थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है। अब ये तीन हमारी मेन आइडेंटिटी हो गई। अब इन तीन आइडेंटिटी से हम थोड़ा चेंजेस, थोड़ा मॉडिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी आ जाती हैं, जिनका यूज़ होता है क्वेश्चंस में बीच बीच में। तो ये देखिए, ये वाली जो है, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं पर रखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वलिटी के उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या बनेगा? देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा भी उधर ले गए, है ना? तो ये 1 में से माइनस ही तो होगा, तो एक ये बन गई इससे। तो क्वेश्चन में बीच में कहीं कहीं आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह रिप्लेस करके आप इसको लिख सकेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है, अभी मान लीजिए हम साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ही रहने देते हैं, तो देखिए क्या बनता है। तो ये बनेगा, ये भी आपको याद रखना है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? इनका यूज होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें इनका यूज होगा। अब देखिए, यहाँ से भी निकल के आएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं ये जो 1 है 1 को उधर ले जाऊँ, तो देखिए क्या बनता है। एक ये बन गई, इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है, अगर
जो टेन स्क्वायर थीटा उसको मैं वहां ले जाता हूँ, वन को रहने देता हूँ, तो क्या बनेगा? तो देखिए sec स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाए इस तरफ आएगा, तो वही लिखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये देखिए बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सिमिलरली इसको भी यूज हम कर सकते हैं। तो देखिए इसकी जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेनली यूज होती है वो होती है अगर कॉस स्क्वायर थीटा है उसमें से कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा को हम उस तरफ ले जाएंगे इक्वल, ठीक है? तो क्या बनेगी, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये बनेगी जब हमारा कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक एक बात को ध्यान से समझना है। फिर जो वन है, वन को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना भाई? वन उधर ले गए तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर ही रह गया, तो फिर क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आइडेंटिटीज थी और उनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थी, तो क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को हम यहीं पर अपने खत्म करेंगे।